कार चाहिए तो चलते हैं अपना बस स्टैंड पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम कहाँ कहाँ जा सकते हो कि गाइस यहाँ पर बहुत सारी जगह है लेकिन हम जाएंगे नेबरहुड चलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कार मिलेंगे ना हमें और भी कार देखनी है यहाँ पर। ओके ये मैम कितने की दे रही है इस कार को यहाँ पर देखते हैं हम पर लग रहा है कि कस्टमर आ चुके हैं। ओके यहाँ पर एक सर तो खड़े एक सर आ रहे हैं और एक मैम आ रही है यहाँ पर। इन पर तो गाइस सभी कार खरीदे हैं लेकिन मैंने सबसे पहले इन सर से बात करी थी तो मैं तो इनको ही सेल करने वाला हूँ ये कार यहाँ पर कर देते हैं। ये कर दी मैंने सेल कार अपनी पहली। हेलो गेमर गैंग आज हम लोग खेले जा रहे हैं कार फॉर सेल गेम को लेकिन 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 गाइस बिल्कुल आपको कार फॉर सेल ये पीसी जैसा देखने को मिलेगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो चलते हैं अपने गेम की तरफ तो लेट्स गो। ओके गाइस हमारा हो चुका है गेम स्टार्ट और देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना फील जैसे पीसी वाला खेल रहे हो हम कार फॉर सेल लेकिन ये पीसी वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा जगह को तो जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर ये जितना भी कचरा है उसको क्लीन कर लेते हैं जैसे कि ये खराब कार है ये वाली क्लीन कर देते हैं यहाँ पर ये इसको भी क्लीन कर देते हैं। ओके और थोड़ा इसको भी कर देते हैं। अब रह गया है हमारे यहाँ के प्लैंक छुटाने हैं ये जो हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं शॉप के आगे तो इस वाले प्लैंक को भी जल्दी से छुटा लेते हैं सभी प्लैंक। ओके गाइस हमारा हो चुका है यहाँ पर ये शोरूम क्लीन जो कि अब ओपन करते हैं अपने ऑफिस को। ऑफिस है जो कि ये अपना और यहाँ पर ये देखिए हमारा ये ऑफिस कुछ इस तरह से लगता है अंदर से और चलते अपने कंप्यूटर पे देखते हैं यहाँ पर वेब पेज पर अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी कोई कार नहीं है और अब चलते हैं अपना यहाँ पर अपग्रेड तो कुछ करना नहीं है तो डेकोरेशन पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके गाइस तो सबसे पहले अपना यहाँ पर नेम सिलेक्ट कर लेते हैं तो जल्दी से मैं कुछ सोचता हूँ अपने शोरूम का नेम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम। तो गाइस अपनी कार शोरूम रखना चाह रहा था मैं यहाँ पर लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा था तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेकंड यहाँ पर मेरे दिमाग में आ चुका है यहाँ पर लिखते हैं हम वाईटी कार शोरूम जो कि अच्छा लगेगा यहाँ पर। अब इसके साइज को सही कर लेते हैं थोड़ा। ओके गाइस यहाँ पर हम करते हैं डन यहाँ पर देख सकते हो आप कैसा लग रहा है वाईटी कार शोरूम। तो यहाँ पर अपना कार हो चुका है अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ये यहाँ पर ग्रास भी है यहाँ पर ये फूल वूल भी लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है भाई साहब यहाँ पर तो बहुत पैसे मांग रहे। कोई नहीं गाइस अब चलते हैं हम अपना बस स्टैंड पर जो कि हमें जाना पड़ेगा कार वार भी परचेज करनी पड़ेगी लेकिन उससे पहले सामने तरफ यहाँ पर है ऑटो कार रिपेयर यहाँ पर पेंट वेंट करवा सकते हैं हम यहाँ पर भी वो अपनी कार को कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई नहीं गाइस तो यहाँ पर तो अपनी कार जब आएगी जबी तो रिपेयर करवाएंगे ऐसा लेकिन सबसे पहले तो हमें कार चाहिए तो चलते हैं अपना बस स्टैंड पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम कहाँ कहाँ जा सकते हो कि गाइस यहाँ पर बहुत सारी जगह है लेकिन हम जाएंगे नेबरहुड चलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कार मिलेंगी ना हमें पहले वहाँ से परचेस करेंगे। नेबरहुड आ चुके हैं हम और यहाँ पर ये घर बिक रहा है लेकिन हमें घर थोड़ा ना खरीदने आया है भाई साहब हम तो कार खरीदने आए हैं ना घर खरीद के क्या फ़ायदा हमें तो कार खरीदनी है। तो चलते हैं हम यहाँ पर इस आदमी से बात करते हैं ये कितने की दे रहा है ये वाली कारों के यहाँ पर ये कार कितने की हाँ हमें पता है कैसे कैसे देखना है यहाँ पर हमें पहले सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दे रहा है हमें कार इसकी कार है $6,995 क्या है इस कार में इतना। वैसे कार तो गाइस देखने में ठीक लग रही है BMW लग रही है मेरे को तो यहाँ पर लेकिन BMW है लोगो हटा रखा है भाई क्या चोरी की बेक रहे हो अबे तुमसे बाद में मिलूंगा मैं अभी नहीं चाह रहा कि तुम्हारी कार खरीदना भी अभी मेरे को और भी कार देखनी है यहाँ पर। ओके ये मैम कितने की दे रही है इस कार को यहाँ पर देखते हैं हम। ओ भाई ओ इतनी इतनी महंगी 24,000 की 24 से भी ऊपर डॉलर की पड़ रही है ये नहीं खरीदनी हमारे
अबे 7,000 सारे हैं हम पे, यहाँ पे 24,000 की कार कैसे खरीद सकते हैं? ओ भाई साहब, यहाँ पर तो ये 16,000 डॉलर की दे रहे हैं भाई, कितनी महंगी कार दे रहे हैं ये। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये कितने की दे रही है मैम? ओ बताइए बताइए कितने की सेल करोगे आप? ओ तेरी गाइस, यहाँ पर 20,000 डॉलर, कुछ पता है कितने होते हैं? नहीं मेरे पास है नहीं, मुझे खुद नहीं पता वैसे कितने होते हैं, और वो भी उस खटारा के दूंगा मैं 20,000 डॉलर। मैम हमारे से भी सुन लो, हम भी सेल करना चाहते हैं अपनी, आपकी कार को खरीदना चाहते हैं, मतलब कि ये तो गाइस हमारे, मतलब कि जितने हम पे पैसे हैं उससे डबल ट्रिपल खरीद रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो शुरू वाली कार थी ना हमने देखी थी वो सही थी, क्योंकि हमारे बजट में भी है वो, तो चलते अपना उसी कार को ढूंढते हैं, वो कार किधर गई भाई। चलो गाइस देख के आते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर एक ये मस्त लग रही है गाइस कार, ये देखते हैं। हेलो सर, क्या आप अपनी कार बेचना चाहते हैं बताइए? ओके गाइस, यहाँ पर 3,100 डॉलर की मिल रही है कार, जो कि देखा जाए सही है, वो तो 7,000 की मिल रही थी वहाँ पर कार, तो मैंने ये वाली कार खरीद ली है गाइस। यहाँ पर हमारी कार पहली परचेज कर ली और बढ़िया लग रही है कार वैसे देखा जाए तो, तो यहाँ पर हमने ये कार खरीद ली है। अब चलते हैं अपना ऑफिस पर, इसको सेल करते हैं। इंजन कर लिया है मैंने ऑन, और यहाँ पर ये देखिए कैसी मस्त है वैसे कार देखने में, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ये टूटी फूटी तो नहीं है, यहाँ पर सही है वैसे, स्क्रैच भी नहीं लग रहे मेरे को देखने में। ओके गाइस, तो चलते हैं अपना शोरूम में अभी, जो कि है नहीं अभी हमारे पास, और यहाँ पर ये कौन से मैप में, कौन से मैप से ले जा रहे हैं, यहाँ पर सड़क भी नहीं है बताओ। यहाँ पर जल्दी से पहुँचते हैं गाइस अपने ऑफिस पर। ओके गाइस, कार को भगाता भगाता आ चुका हूँ मैं अपने ऑफिस पर, और यहाँ पर पहली बारी में ही लोग एक्सीडेंट कर दिया अपनी कार का, नुकसान कर दिया। अब मैं सोचा हूँ कि इसको सेल नहीं करवाते हैं, पहले रिपेयर करवाते हैं, ऑटो रिपेयर पे चलते हैं यहाँ से। वो रहा हमारे पीछे, ये ऑटो रिपेयर भी मस्त है, यहाँ पर सब है, यहाँ पर पेंट भी करवा सकते हैं हम, लेकिन अभी तो मेरे को पहले ये कार सही करवानी है, फिर सेल करेंगे, क्योंकि कभी ख़राब कार पहली बारी में ही, हम पहली बारी में ही ख़राब कार नहीं सेल करना चाहते। तो यहाँ पर इंजन करते हैं ऑफ, और यहाँ पर अब कार से हम बाहर आते हैं, और यहाँ पर दिखाते हैं मैकेनिक को कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो बताएगा हमें यहाँ पर। तो चलते हैं गाइस देखते हैं, यहाँ पर गाइस वैसे सब कुछ सही है, मतलब कि आगे का और पीछे का बोनेट थोड़ा टूटा हुआ है, तो रिपेयर करवा देते हैं। यहाँ पर 510 डॉलर में रिपेयर हो रही है, कोई नहीं गाइस करते हैं, रिपेयर तो करवानी है जब भी। ओके गाइस, ये तो हो रही है कार हमारी रिपेयर, तो थोड़ा और आसपास घूम लिया जाए, यहाँ पर जंक यार्ड है क्या ये, जो भी है चलो देखते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर कचरा वचरा मिलेगा यहाँ पर, तो मेरे को पता है इसका कचरा इसको ही सेल करना होता है, लेकिन इस क्या ये लोहे का इतना बड़ा दे दें क्या, इसको टायर खरीदता है क्या ये? मेरे को नहीं लग रहा टायर वायर खरीदता होगा, ये तो लोहे का सामान खरीदता है ना भाई साहब। हेलो हेलो सर, कुछ खरीदोगे यहाँ पर? अबे कुछ है नहीं हमारे पास सेल करने को तेरे को। कोई नहीं गाइस, इतने तो हमारी कार भी रिपेयर हो गई होगी वैसे देखा जाए तो। चलते हैं, वो काम चालू है अब भी हमारी कार में, इंजन विंजन ठुक गया क्या, इतना खराब हो गई क्या कार ये इतनी? गाइस थोड़ा बहुत वेट करने के बाद हमारी कार हो चुकी है एकदम परफेक्ट। हेलो सर, परफेक्ट कर दिया ना वैसे कार, सही है हमारी हो चुकी है गाइस। यहाँ पर वैसे देखो स्क्रैच भी नहीं थी, मैंने सही बोला था स्क्रैच भी नहीं है इतनी। अब इंजन को करते हैं ऑन और चलते हैं अपना कहाँ पर, ऑफिस पर। तो ऑफिस पर जल्दी से चलते हैं, इस कार को अब तो बिल्कुल नहीं ठोकूंगा मैं भाई, बिल्कुल नहीं ठोकना चाहता अपनी कार को। अभी 510 डॉलर लगाए हैं इसके ऊपर, 4,000 तक की तो ये होगी होगी गाइस, यहाँ पर 4,000 की तो हमने खरीद ली होगी, इसका सब कुछ मिला के देखेंगे तो 4,000 बैठेगा, इतना तो प्राइस इसका जितने की हमने खरीदी है। वैसे 3,100 डॉलर की खरीदी थी ना ये यहाँ पर, और हमने 515 डॉलर और लगाए हैं, तो यहाँ पर देखा जाए कि 4,000 में आई जाएगी, वही 4,000 मान के चल सकते हो। तो ये कर दिया हमने यहाँ पर खड़ी, और इंजन भी ऑफ कर दिया है हमने,
अब चलते हैं अब अपना शोरूम के अंदर, यहाँ पर ऑफिस के अंदर, ऑफिस में देखते हैं कि ये कौन सी कार है, वैसे कौन से वाली कार है यहाँ पर। ओके तो गाइस ये होंडा की वसीव करके कुछ, और यहाँ पर ये चली भी बहुत ज़्यादा है वैसे। और तो गाइस यहाँ पर मैं सोचा हूँ कि इसका प्राइस डालते हैं यहाँ पर, तो मैंने सोच रखा है वैसे इसका प्राइस यहाँ पर ये ज़्यादा 6000 तक की सेल हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पर 5999 डाल देते हैं, यहाँ पर ये डाल दिया मैंने 5999। ओके गाइस यहाँ पर 6000 तक की ये सेल हो जाएगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, तो सेल को कर देते हैं ऑन। ओके गाइस हमने कर दी है ये सेल के लिए, लगा दी है कार और यहाँ पर इसको काटते हैं और देखते हैं बाहर कोई कस्टमर आया क्या। ओके गाइस यहाँ पर लग रहा है कि कस्टमर आ चुके हैं। ओके यहाँ पर एक सर तो खड़े हैं, एक सर आ रहे हैं और एक मैम आ रही है यहाँ पर, इनको पहले कार को देख देते हैं। हेलो सर क्या आप ये कार खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल मस्त कार है। ओके गाइस यहाँ पर जितना मैंने इसका सेल प्राइस डाला था उतने की ये खरीद रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, मैम से बात कर ली जाए। हेलो मैम आप खरीदना चाहते हैं क्या ये कार? बिल्कुल मस्त एकदम सस्ते में मिल रही है यहाँ पर हमारे शॉप पर। एक सेकंड कोट वोट में पैर के आए। हेलो सर क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? यस बताइए कौन, क्या आप ये कार खरीदेंगी? ओके सर यहाँ पर तो गाइस सभी कार खरीदे हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले इन सर से बात करी थी, तो मैं तो इनको सेल करने वाला हूँ ये कार। यहाँ पर कर देते हैं, ये कर दी मैंने सेल कार अपनी पहली। गाइस ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने यहाँ पर घाटा कर लिया है अपना, यहाँ पर ज़्यादा मैं प्राइस डालता तो शायद यहाँ पर और ज़्यादा ये खरीद सकते थे। कोई नहीं गाइस अपने ऑफिस को करते हैं क्लोज, और रात का वक्त हो चुका है तो अब तो कोई कार खरीदने के लिए आएगा नहीं, तो चलते हैं अपना यहाँ पर अपने कंटेनर में चलते हैं सोने के लिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंटेनर में, और ये हमारा कंटेनर जो कि जहाँ पर हम सोते हैं गाइस। सो ओके गिवन गैंग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अगली वीडियो में तो तकड़ी कार खरीदेंगे और उनको सेल करेंगे आपके ज़्यादा प्राइस में। तो मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फॉलो कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ गाइस आज की इतनी कमाई हुई है देख सकते हो आप।